What is malleability? The physical properties we are discussing of non-metal and metal, the sixth point is malleability. So malleability is the property by which any element can be bitten into thin sheets. यानी यदि मैं हैमरिंग करूं उस पे, उसको पीटूं अगर, तो क्या होगा कि वो थिन सीट बन जाएगा, ठीक है? ये हुआ मैलेबिलिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो मैलेबल होते हैं, मेटल्स आर मैलेबल, मैलेबल। ओके, क्या हो गया? कैन बी हैमर्ड, हैमर्ड इनटू थिन सीट्स। ओके, थिन सीट्स। तो मेटल्स आर मेलेबल, मैंने बताया आपको। कोई भी मेटल आप जैसे देखिए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मेटल है और इसको मैं यदि हैमरिंग करूंगा तो ये फॉयल बन जाएगा। आपको मैं बता रहा हूं कि कितना इसका यूज है, कि आप देखते होंगे कि जो मेडिसिन आप खरीदते हैं तो बहुत सारे टैबलेट्स जो होते हैं वो आप देखिएगा वो एल्युमिनियम फॉयल में ही रहते हैं। तो एल्युमिनियम का कौन सा प्रॉपर्टी हुआ जो मेडिसिन के स्ट्रिप बनाने में मदद देता है? तो आपका जवाब होगा मैलेबिलिटी। ओके, तो एल्युमिनियम हमारा ये हुआ। फिर और भी जगह फॉयल का यूज होता है, जैसे आप देखते होंगे कि मिठाई वगैरह में ऊपर से फॉयल दिया रहता है, सिल्वर का फॉयल, गोल्ड का फॉयल। तो ये क्यों दिया, कैसे संभव हुआ? ड्यू टू इट्स मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी। ओके, नाउ नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल। ओके, नॉन मेटल मैलेबल नहीं होते हैं। ओके, नॉन मेटल मैलेबल, मैं डक्टिलिटी की बात करूं, डक्टिलिटी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, डक्टिलिटी, तो ये प्रॉपर्टी क्या बताता है कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी उसको तार के रूप में खींचा जा सकता है। याद रखिएगा, मैलेबिलिटी मीन्स सीट, सीट के रूप में कर सकते हैं, और डक्टिलिटी मीन्स कि वायर का रूप दे सकते हैं, ठीक? तो मेटल्स जो होता है वो डक्टाइल होता है, मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, मेटल्स आर डक्टाइल। और ये प्रॉपर्टी क्या हुआ, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, बहुत पतला तार बना सकते हैं, ठीक? जैसे मैलेबिलिटी के लिए मैंने बताया कि आप गोल्ड का इतना पतला फॉयल बना सकते हैं, उसीलिए डक्टिलिटी में भी गोल्ड सिल्वर आता है। और मैंने क्या बताया कि वन ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर थिन वायर। ओके, तो मेटल्स आर डक्टाइल, ये मैंने लिख दिया। ओके, और मेटल के ये डक्टिलिटी गुण के कारण ही क्या होता है, इसका हम लोग वायर बनाते हैं। ओके, ठीक, वायर क्यों बना रहे हैं, बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई वी आर यूजिंग एल्युमिनियम फॉयल इन मेडिसिन, बिकॉज एल्युमिनियम इज मेटल एंड इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी। उसी तरह से यहां पर वायर के लिए डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ओके, आपने कभी देखा है कि नॉन मेटल का हम नहीं बना सकते हैं वायर, नॉन डक्टाइल, ठीक है? नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ओके, मैंने बोला कि टेंसाइल व्हाट इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बेयर
अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विदाउट ब्रेकिंग। तो अब बता है कि ये तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेन क्या बोला है भाई? तो स्ट्रेन इज एक्चुअली चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी जो लेंथ में चेंजिंग आए उसको हम लोग स्ट्रेन कह रहे हैं। यानी पहले किसी तार की लंबाई इतनी थी, मैं उसको खींच रहा हूं, तो चेंज इन लेंथ आया, खींचते गया, लेकिन वो टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा? सवाल ये उठता, क्यों नहीं टूटा? अगर किसी चीज को मैं खींच रहा हूं मींस मैंने स्ट्रेंथ दिया। क्या हुआ? पहले उसका अपना ओरिजिनल लेंथ था, अब मैं उसको खींच रहा हूं, दैट इज चेंज इन लेंथ। ओके, तो कोई कब नहीं टूटेगा? यदि उसमें प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की होगी, यदि उसमें प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी की होगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी किसमें है? मेटल में है, इसीलिए मेटल हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, मेटल्स हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्यों भाई इसमें ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है? क्योंकि इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है एंड मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, डू नॉट हैव अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसे रहेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ जब उसमें डक्टिलिटी है ही नहीं, मैलेबिलिटी है ही नहीं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहां से ले आएगा? क्योंकि मैलेबिलिटी डक्टिलिटी नहीं है, देयरफॉर इट विल नॉट बेयर स्ट्रेन। ओके, इट विल ब्रेक डाउन। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, नॉन मेटल में एक्सेप्शन है, एंड दैट इज कार्बन फाइबर। ओके, कार्बन फाइबर इज एक्सेप्शन, कार्बन फाइबर इज एक्सेप्शन। कंडक्टिविटी है क्या, पहले ये जाने। कंडक्टिविटी एक्चुअली हुआ कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू ट्रांसफर हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दोनों चीज को यदि कोई ट्रांसफर कर रहा है, अगर एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को हम लोगों ने नाम दिया कंडक्टिविटी। यानी एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कंडक्टिविटी का दो टाइप होगा। ठीक है, कंडक्टिविटी का हम अगर टाइप बात करें तो दो तरह का हो गया। अगर हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो आपका आया थर्मल कंडक्टिविटी में आया। ओके, और अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं तो वो क्या में आया बताइए? अच्छा, आप तो बता नहीं सकते हैं, वो आ गया आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स जिसमें हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का एबिलिटी हो। तो आप सोचिए कि आपके घर में जो बर्तन है वो या तो कॉपर का होगा या एल्युमिनियम का होगा। तो वो कॉपर का है और एल्युमिनियम का है, तो है क्या मेटल है या नॉन मेटल है? तो मेटल है बच्चे, मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर। ठीक है, ओके, और इसके इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग कुकिंग यूटेंसिल में इसका इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है ना, इसका मैं एक्टिविटी भी शो करूंगा आपको, यहां तक में तो दिक्कत नहीं है। कॉपर एंड एल्युमिनियम। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें यदि,
तो फिर आप अपने घर में देखिए कि जो आपके घर में वायर लगा हुआ है, भले ही ऊपर से प्लास्टिक का कवर है, यदि आप उसको छीलिएगा तो अंदर में या तो कॉपर दिखेगा या एल्युमिनियम दिखेगा। तो क्या है भाई? वो मेटल है। इसका मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। कॉपर भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। पोल पर कौन सा तार लगा रहता है? क्या चीज का? एल्युमिनियम का लगा रहता है। यानी यानी हाँ यानी थर्ड जो कैडर में आया उसको हम बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं। एल्युमिनियम, गवर्नमेंट एल्युमिनियम यूज कर रही है। आप अपने घर में कॉपर वायर यूज करते हैं, उससे थोड़ा बेस्ट, और जो दी बेस्ट है उसको तो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्राची सिन्हा, प्राची